उन्होंने तो इंडिया के लिए खतरे की घंटियां बजा दी है, उन्होंने सायरन्स बजाना शुरू कर दिए अपने प्लेयर्स को और अपने इंडिया को, और उन्होंने कहा डर जाओ पाकिस्तान की टीम से। और हर्षा भोगले भी यही कहते हैं, हर्षा भोगले को मैं कहूंगा तो फिर तो हेड फिर वो लाइन शुरू हो जाएगी नहीं लेकिन वो जो हो गई। खैर हर्षा भोगले ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान को यू कांट राइट ऑफ पाकिस्तान, और 350 स्कोर भी हो गया, हम उम्मीद हार चुके थे, मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं जो उम्मीद हार चुके थे, मगर मैं आप दोनों, ये दोनों थोड़े होपफुल थे। सोहेब ने कल पाकिस्तान की शर्ट पहनी हुई थी और क्या खेला है ये हर मैच में, अब हम इनको कहेंगे वही शर्ट पहन के हैं। खैर हर्षा भोगले हो गए, इरफान पठान हो गए, इरफान पठान ने भी बड़ी तारीफ की, ट्वीट्स की, मैं आपको ट्वीट उनके भी पढ़ के सुनाऊंगा। तो इंडियन क्रिकेट एनालिस्ट और इंडियन फॉर्मर प्लेयर्स ने इंडिया के टीम को वॉर्न करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान से डर जाओ, अगर ये इतना बड़ा स्कोर चेज कर सकते हैं तो ये अहमदाबाद में तुम्हें भी डरा सकते हैं। ये मैं आपकी उस बात का जवाब दे रहा हूँ कि इंडिया के साथ क्या होगा, इंडिया के साथ क्या सोच रहा होगा। इंडिया ये सोच रहा होगा कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा, कुछ 400-450 रन स्कोर करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर 350 भी इंडिया करता है तो पाकिस्तान कॉन्फिडेंट होगा इंडिया की, हमारी बॉलिंग एक इंजर्ड मेन इंजर्ड बॉलर के अलावा मुझे लगता है हमारी उनसे स्ट्रॉन्ग इंडियन बॉलिंग है, बॉलिंग लाइनअप है। दोनों टीमें ये सोच रही होंगी, अगर दोनों टीमों में से अगर किसी ने भी स्कोर कर दिया तो उनको पता है यार इन्होंने 345 चेस किया हुआ है, पाकिस्तान कॉन्फिडेंट होगा कि यार 320-330 हम कर जाएंगे क्योंकि हमने किया हुआ है। इंडिया को भी पता होगा कि भाई ये कर जाएंगे, ये इतना स्कोर काफी नहीं है, तो वो एक यू नो एक फैक्टर होता है, थोड़ा सा प्रेशर होता है कि भाई हेलो आई हुई जीत के आई हुई है। तो मुझे पर्सनली फील होता है कि भाई इंडिया की टीम इस टाइम वो खतरे की घंटी बज चुकी है, और इंडिया की टीम जो है इस टाइम अपने प्लान्स कर रही होगी पाकिस्तान इंडिया का जो बहुत बड़ा मैच है, और उनको पता होगा कि भाई अब हमने क्या करना है, 345 तो ये लोग कर गए हैं, ठीक है अब हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा। और जैसे कि शुभमन गिल भी नहीं है, और जैसे मन साहब ने बोला कि भाई बॉलिंग लाइनअप अगर हम देखें तो मुझे पर्सनली फील होता है कि दोनों जो है ना लेवल पे हैं पाकिस्तान और इंडिया, स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा उनका अच्छा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इंडिया का मैच, और पाकिस्तान एज यू नो अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकता है। जबरदस्त मैच हुआ, ट्वीट पे मैं वापस आऊंगा। कामरान मुजफ्फर साहब ये बड़ी अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, ये जानते हैं क्रिकेट को, बड़ी बारीकी से क्रिकेट पे बोलते हैं। इन्होंने ट्वीट किया, इन्होंने कहा इट्स सच अ स्ट्रेंज चेज दैट कॉलिंग इट अ चेज इज इनअप्रोप्रिएट, कि इतना वो मुश्किल और इतना वो आसान से उन्होंने चेज कर लिया, मतलब ये वही वाली बात नहीं होती कि आपका सबसे मुश्किल पेपर जिसके लिए आप पूरे साल से तैयारी कर रहे हो, आपको लग रहा होगा मैथ्स का, मेरे लिए तो वो मैथ्स ही होता था कि हम इसमें फेल हो जाएंगे, लेकिन जब आप वो पेपर देने जाते हैं आप ऐसा पर्चा देकर आते हैं कि आपके जब ए ग्रेड या 90% से अबव मार्क्स आते हैं तो आप खुद हैरान हो जाते हैं। और आप ऐसे आपने भी स्कूल में किया होगा ऐसे कि हमसे जब कोई पूछता था, हम जो हमारे लाइक दोस्त थे, मैं तो कभी इतना लाइक नहीं था, ये मेरे शमशेर और सोहेब जैसे लाइक दोस्त, इनसे मैं जब पूछता था पेपर कैसा हुआ, बात हुई बाहर निकल के थे यार बड़ा बुरा हुआ यार, हम तो फेल हो जाएंगे, बड़ा बुरा हुआ, लेकिन जब रिजल्ट आता था तो नंबर सबसे अच्छे उन लोगों के होते थे। तो कल एक तो ये चेज ऐसी हुई है कि जिसको भी जिसने भी देखा है, आज काफ़ी लोगों ने जो कि पाकिस्तान, आपको पता है ना हम जरा जज्बाती लोग हैं, हम टीवी जल्दी बंद कर देते हैं, हम फोन ऑफ करके छोड़ देते हैं, ये मैच भी जरा लेट खत्म होते हैं, तो कल काफी ज्यादा लोग थे जिन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि ये पाकिस्तान मैच हार जाएगा। यकीनन उन्होंने जब सुबह उठ के स्कोर कार्ड देखे होंगे तो वो चार चार दफा देख रहे होंगे, मतलब उनको अपनी आंखों में यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये हुआ गया, ये चेज कैसे कर गए। तो कामरान मुजफ्फर की मैं ट्वीट में वापस आऊंगा, इन्होंने कहा इट्स सच अ स्ट्रेंज चेज दैट कॉलिंग इट अ चेज इज इनअप्रोप्रिएट, नीडिंग 7 एंड ओवर एट द स्टार्ट एंड गोइंग लेस देन 5 आफ्टर 15 with no signs of any intent or innovation, looks like just going through the motion without any conviction. तो जबरदस्त है जी, इन्होंने बड़ा अच्छा बात की कि 7-8 रन का, यही मैं बात कर रहा था कि 7.9 या 8.9 तक रन रेट आ गया था, लेकिन 8.9 से ऊपर नहीं गया। तो अगर 9 या 10 रन का भी आप रन रेट से जा रहे हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस रन रेट को मेंटेन करना। तो पाकिस्तान ने जो सबसे अच्छी चीज़ ये की कि वो रन रेट जो है उसको 9 के नीचे नीचे रखा है, 9 से ऊपर नहीं जाने दिया, तो वो पूरा मैच उसको ले गए। और फिर जिस तरह सोहेब ने कहा श्रीलंका की भी थोड़ी गलती है, आखिरी 20 ओवर श्रीलंका ने अच्छे नहीं खेले। श्रीलंका के जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, जो उनके एनालिस्ट हैं, उनकी मैं एक आपको ट्वीट अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। उन्होंने कहा कि श्रीलंका वर 30-40 रन शॉर्ट, मैंने आपको कल बोला था कि भाई इन्होंने 20-30 रन शॉर्ट किए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, बॉलिंग अच्छी की है कि 30 रन हमने कम कर लिए, वी हैव अ चांस। अगर 370 होता तो फिर चांस नहीं था, फिर बहुत मुश्किल होता। और मैंने आपको कल बोला भी था कि हम 2 ओवर पहले चेज कर जाएंगे। हाँ वही मैं ये इस पे आने लगा था कि ये जब मेरी सुहेब से लास्ट टाइम बात हुई तो मैं तो ऑप्टिमिज्म में, अगर कोई बंदा शेर है ना, अगर कोई बंदा पॉजिटिव है तो वो ये सुहेब है पाकिस्तान के मैच में।